मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक 376 दिनांक 1 अक्टूबर के पालन में दिनांक 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 15 दिवसीय दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जिले में दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के संदर्भ में हेलमेट अभियान का जिला में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें शहर के 4 पेट्रोल पंपों पर हेलमेट संधि फ्लैग्स लगाए गए वो पैम्पलेट वितरित किए गए। वह शहर में टेगोर मार्ग यातायात थाने के सामने आमजनों को हेलमेट संधि पीएस सिस्टम से यातायात नियमों व हेलमेट धारण करने के संबंध में जानकारी दी गई। स्लोगन लिखे गए, लगभग 175 पैम्पलेट वितरित किए गए। बाद में नयागांव टोल बैरियर पर टोल की लेना पर हेलमेट संधि फ्लैक्स लगाए गए व दो पहिया लेन पर आमजनों पर हेलमेट संधि जानकारी दी गई। नीमच में दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरोध को लेकर 186 चालान बनाए जाकर समन शुल्क 46,500 रूपए वसूल किया गया तथा अन्य वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 28 चालान बनाए जाकर समन शुल्क 14,000 रूपए वसूल किए गए। इस प्रकार कुल 212 चालान बनाए जाकर 60,500 रूपए वसूल किए गए।